सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की जान के साथ हो रहा है खिलवाड़। इलाज कराने आई 2 साल की बच्ची की एक्सपायरी दवाई से तबीयत हुई खराब। गंभीर अवस्था में डॉक्टरों ने बच्ची का इलाज करने से किया मना। विकलांग पिता द्वारा कई बार देखने के लिए निवेदन करने के बाद भी डॉक्टरों को नहीं आया तरस। किशनगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आई 2 साल की बच्ची को दवाई दी जो एक्सपायरी हो चुकी थी, जिसे लेने के बाद बच्ची की तबीयत और खराब हो गई, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया, जिसे चिकित्सकों ने इलाज के लिए मना कर दिया। जानकारी के अनुसार 2 साल की बच्ची का नाम अंजीरा है और उसके पिता विकलांग है, जो समीपवर्ती नियाणा का निवासी है। विकलांग पिता मुल्ताफ ने बताया कि बच्ची को कल अस्पताल में डॉक्टर अरुण को दिखाया था। उसने पर्ची पर दवाई लिख दी जो अस्पताल से निःशुल्क मिली, जिसे घर जाकर अंजीरा को पिलाई, जिससे और तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब दवाई देखी तो उसकी मियाद खत्म हो चुकी थी, यानी वो दवा एक्सपायर डेट की थी। तबीयत खराब होने पर आज अस्पताल लाए तो डॉक्टरों ने बच्ची के इलाज के लिए मना कर दिया। दूसरे डॉक्टर ने भी देखने से मना कर दिया। विकलांग पिता डॉक्टरों से बच्ची को दिखाने के लिए बार बार निवेदन करता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी एक नहीं सुनी। लड़की की घूमड़ा ज्यादा सीरियस था सर, इसलिए हमने इसको सरकारी भेजा कि यार ज्यादा सीरियस है, सरकारी दिखाएंगे। सरकारी डॉक्टर के पास लाने के बाद उसने तुरंत 2 मिनट में ये दवा लिख दी। तो हमने उससे रिक्वेस्ट की, सर ये ज्यादा दिक्कत है, पूरी रात लड़की सोने ना दे, आप इसको सही तरीके से देखो। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगी। तो दवा हम ये लेके चले गए। शाम को जब हमने ये दवा लड़की को पिलाई, उसके बाद उल्टी दस्त, सब पूरी रात बेचैन रहे, पूरे घर वाले परेशान रहे, अभी लड़की सीरियस है। तो जब हमने दवा फिर सुबह हमने एक डॉक्टर को घर बुलाया, तो उसके बाद हमने ये दवा दिखाई उनको, तो उसने ये दवाई देखी तो उसने बोली भैया ये दवाई एक्सपायर हुई पड़ी आपकी, इस दवाई से ज़्यादा दिक्कत आई है। तो फिर हमने आप लोगों से संपर्क किया कि जब हम अच्छी जगह जा रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा था।